तो भाइयों आज की इस बहुत ही शानदार वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 ऐसे क्लासी शर्ट पैंट कॉम्बिनेशन जो हर एक लड़के पे अच्छे लगेंगे। बट इन कॉम्बिनेशन से पहले आपको फॉर्मल ड्रेसिंग के कुछ बेसिक फैशन रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग कॉम्बिनेशन तो अच्छा सिलेक्ट करते हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट फैशन रूल्स को मिस कर देते हैं, देन द रिजल्ट इज वो आउटफिट उतना अच्छा नहीं लगता। सो फटाफट से ये 5 फैशन रूल्स समझ लो। रूल नंबर 1, प्रॉपर फिटिंग। देखो कैजुअल कपड़े आप लूज पहन सकते हो बट फॉर्मल आउटफिट का परफेक्ट लुक उसकी फिटिंग से ही आता है। सो मेक श्योर कि आपकी शर्ट एंड पैंट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वेल फिटेड हो। रूल नंबर 2, यूज सम एक्सेसरीज। फॉर्मल आउटफिट में भर की एक्सेसरीज नहीं पहननी, एकदम मिनिमल एक्सेसरीज का यूज करो, लाइक एक सिंपल क्लासी मेटल या लेदर स्ट्रैप वॉच। अगर दूसरा हाथ खाली लग रहा है तो एक सिंपल कड़ा या ब्रेसलेट, एंड बेल्ट लगाना मत भूलना। सो यू मस्ट यूज दिस इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज इन योर फॉर्मल आउटफिट। रूल नंबर 3, ऑलवेज चूज द राइट शूज। फॉर्मल आउटफिट में हमेशा फॉर्मल शूज ही पहनो, चंकी स्नीकर्स या स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनना है। आप पहन सकते हो लोफर्स, प्लेन व्हाइट स्नीकर्स या और कोई फॉर्मल शूज। और यार कभी भी शूज को हल्के में मत लेना, लोग सबसे पहले वही नोटिस करते हैं। रूल नंबर 4, वेल ग्रूम्ड। हेयर स्टाइल, बियर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी नाक से बाहर आते हुए बाल। शायद आप इन्हें नोटिस नहीं करते बट देखने वाले का सारा मूड खराब हो जाता है। अब मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अपने फेशियल हेयर्स को प्रॉपर मेंटेन रखो एंड अपने नेल्स और टीथ को क्लीन रखो, एंड ऑलवेज यूज गुड परफ्यूम बिकॉज गुड फ्रेग्रेंस कैन इंस्टेंटली चेंज द मूड ऑफ एनी पर्सन। रूल नंबर 5, चूसिंग द राइट कलर कॉम्बिनेशन। तो फाइनली अब बात करते हैं वो टॉप 15 क्लासी कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, एंड इनमें से कुछ आउटफिट मैंने खुद ने पहनी है और लोगों ने बहुत तारीफ की है। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन है ब्लैक शर्ट एंड ग्रे पैंट। बहुत ही क्लासी कॉम्बिनेशन है, हर एक लड़के पे अच्छा लगेगा और ये आउटफिट परफेक्ट है फॉर्मल मीटिंग या बिजनेस इवेंट्स के लिए, या आप इसे स्कूल या कॉलेज पार्टीज वगैरह में पहन सकते हो। और अगर आपने अभी तक कोई भी फॉर्मल आउटफिट नहीं बनाई है तो मेरे हिसाब से आपकी फर्स्ट फॉर्मल आउटफिट का कॉम्बिनेशन यही होना चाहिए, इसके बाद आप और कोई कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन की, जो है मरून शर्ट एंड क्रीम पैंट। ये कॉम्बिनेशन शादी पार्टी या स्पेशल इवेंट के लिए परफेक्ट है, क्योंकि मरून एक रिच और वार्म कलर है जो क्रीम पैंट के साथ बहुत ही शानदार लगता है। और इस टाइप की सारी फॉर्मल आउटफिट में आप अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले रख सकते हो, इससे आपकी शर्ट दिखने में और ज्यादा अच्छी लगेगी। और हाँ, अगर आपके चेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा बाल आते हैं तो आप उन्हें भी अच्छे से क्लीन रखो, क्योंकि वो शर्ट से बाहर दिखेंगे तो बहुत गंदा लगेगा। हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है लाइट ब्लू शर्ट एंड ग्रे पैंट। ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। ये आउटफिट आपको एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देती है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। हमारा फोर्थ कॉम्बिनेशन फर्स्ट कॉम्बिनेशन के जस्ट ऑपोजिट है। फर्स्ट आउटफिट में हमने ब्लैक शर्ट एंड ग्रे पैंट पहनी थी, बट यहाँ पर हम ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट पहनेंगे। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैंने खुद ने पहना है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है लाइट पिंक शर्ट एंड नेवी ब्लू या ब्लैक पैंट। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लाइट पिंक कलर नेवी ब्लू या ब्लैक के साथ मिलकर बहुत ही तगड़ा लुक क्रिएट करता है। इस कॉम्बिनेशन से आप किसी भी फॉर्मल ओकेजन में स्टैंड आउट कर सकते हो। और हाँ, फॉर्मल आउटफिट के लिए एक और फैशन टिप है कि आप अपने शर्ट के स्लीव्स को हमेशा रोल अप करके रखना, इससे आपके फोर आर्म्स विजिबल होंगे और आप दिखने में ज्यादा सेक्सी लगोगे। स्लीव्स को सही तरीके से कैसे रोल अप करना है वो आप इन फोटोज में देख सकते हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है व्हाइट शर्ट एंड डार्क ब्लू पैंट। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्लीन और क्लासी कॉम्बिनेशन है। डार्क ब्लू पैंट की डेप्थ और व्हाइट शर्ट की सिंप्लिसिटी इस आउटफिट को बैलेंस करती है। इसको आप इंटरव्यू या ऑफिस मीटिंग वगैरह में पहन सकते हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है लेमन येलो शर्ट एंड ग्रे पैंट। ये थोड़ा सा कूल वाइब वाला कॉम्बिनेशन है। आप इस आउटफिट को भी नो डाउट किसी भी फॉर्मल या सेमी फॉर्मल ओकेजन में पहन सकते हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने से पहले कुछ 2-3 फैशन रूल्स और समझ लो। देखो फॉर्मल आउटफिट में फॉर्मल शूज के साथ आप फुल लेंथ सॉक्स पहन सकते हो, बट उनका कलर आपकी पैंट के साथ कुछ हद तक मैच करना चाहिए, बिल्कुल अलग सा नहीं होना चाहिए। और लोफर्स या स्नीकर्स के साथ नो शो सॉक्स पहनना है। और फॉर्मल आउटफिट में आपके शूज, बेल्ट और वॉच का कलर एक दूसरे से बिल्कुल मैच करना चाहिए। ओके भाई, वॉच का नहीं बट एटलीस्ट शूज और बेल्ट का कलर तो मैच होना चाहिए। अगर बेल्ट बाहर दिख रहा है तो, और टक इन करने के बाद बार बार आपकी शर्ट बाहर आ जाती है, तो आप इस टाइप के शर्ट टकर में थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है ओलिव ग्रीन शर्ट और केमल पैंट। ये कॉम्बिनेशन एकदम यूनिक है, दोनों ही कलर अर्थी कलर्स हैं, मतलब कि नेचर से कनेक्टेड है। बाकी बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है, ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है ब्लैक शर्ट एंड बेज पैंट। बहुत ही क्लासी कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर आप एक बेज कलर का सूट पहन के एक और शानदार आउटफिट बना सकते हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है व्हाइट शर्ट एंड ग्रे पैंट। आप देख सकते हो कितना शानदार कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल बेसिक कलर्स पहने हैं बट आप देख सकते हो सारे फैशन रूल्स को फॉलो किया है। बेल्ट, शूज और वॉच का कलर सेम है, लोफर्स के साथ नो शो सॉक्स पहने हैं, शर्ट में ऊपर के 2 बटन खुले हैं, बंदा वेल ग्रूम्ड है और आउटफिट का फिटिंग एकदम परफेक्ट है। इसलिए मेरे भाई बेसिक फैशन रूल्स को इग्नोर मत किया करो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है ब्राउन शर्ट एंड ब्लैक पैंट। बहुत ही अच्छा, थोड़ा मैच्योर पर्सनालिटी वाला कॉम्बिनेशन है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है पर्पल शर्ट एंड ब्लैक पैंट। ये भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही शानदार लगता है। अगर आपने सारे बेसिक कलर्स पहन लिए हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में फिर से वही क्लासी व्हाइट शर्ट एंड डार्क ब्राउन पैंट। आप ब्राउन की जगह इस टाइप की क्रीम या बेज कलर की पैंट पहन सकते हो, बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हो।
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है ब्राउन शर्ट एंड बेज पैंट। ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप जरूर ट्राई करना। अब लास्ट कॉम्बिनेशन है ऑल ब्लैक आउटफिट। बहुत ही क्लासी आउटफिट है ये, देखो ऑल ब्लैक आउटफिट कितनी अच्छी लगती है। तो यार ये थे मेरे कुछ फेवरेट 15 शर्ट पैंट कॉम्बिनेशन। कैसी लगी आपको मेरी रिकमेंडेशंस कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना। और फैशन, स्टाइल, फिटनेस, ग्रूमिंग के बारे में बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी शर्ट फिटिंग के बारे में डिटेल में सीखने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो।